क्योंकि जो कोविड संक्रमण काफ़ी हद तक अभी बीच में जो हमारा अप्रैल मई का था काफ़ी बढ़ गया था, उसके बाद वैक्सीनेशन का भी चले और एक वर्ल्ड मतलब अपना नेशनल लेवल पे जो रिकॉर्ड अपन ने बनाया है इंदौर शहर ने, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसी के साथ हम देख रहे थे कि लगातार हम 1.5 लाख 70 हज़ार 80 हज़ार इस तरह से वैक्सीनेशन कर रहे हैं, मगर इसके बावजूद भी कुछ जगह पर ऐसे हैं कि पॉकेट्स है कि जहाँ पर कि टोटली वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहे थे। और उसमें जो देखा हमने तो सेक्स वाइज जो देखा महिला और पुरुष में, तो उसमें पुरुषों की संख्या ज़्यादा थी और महिलाओं की संख्या 1 लाख अभी कल जो था 1 लाख से अंडर ही था। तो हमारे कलेक्टर साहब वगैरह सभी ने मतलब मीटिंग करके और ये बताया, और कमी हमारे एसीएस सर भी आए थे, वो उनमें ये एक मुद्दा उठा कि इसमें महिलाओं का जो है टीकाकरण कम क्यों है। तो ये चीज़ रखी कि स्पेशल कुछ पॉकेट्स ऐसा है कि जहाँ पर महिलाएँ आना नहीं चाहती है या कुछ संकोच कर रहे हैं, तो इस तरह से कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में और कमिश्नर मैडम नगर निगम इनके मार्गदर्शन में, संदीप सोनी सर के मार्गदर्शन में एक विशेष कैंपेन चलाया है कि जहाँ पर कि महिलाओं के लिए विशेष अलग से सेंटर बनाए जाए, जहाँ पर कि महिलाएं बिना निसंकोच और ऐसे जाए। और कई बार ऐसा रहता है कि कुछ रिलीजियस में भी ऐसा रहता है, तो उसके लिए अलग से सेंटर बनाए हैं। और अगर हमें लगेगा कि हाँ यहाँ पर ऐसे पॉकेट से कुछ आइडेंटिफाई हो, फ्यूचर में भी कर रहे हैं कि कुछ पॉकेट ऐसे रहेंगे कि जहाँ महिलाओं का जो टीकाकरण का है वहाँ परसेंटेज कम हो रहा है, तो हम दूसरी जगह भी करेंगे उसमें। तो क्योंकि अभी जो 2-3 दिन और हमारे पास टाइम है अभी कि जो महाअभियान का टाइम है, उसमें अधिकतर टीकाकरण हमारे अच्छे से हो रहा है और वैक्सीन भी पर्याप्त मिल रही है और हम लोग कवर कर लेंगे। सर, अभी जो हमारा फिगर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम ये मान के चल रहे हैं कि पहले तक शायद हम 70% वैक्सीन है, तो वो किस तरह से हम लोग इस प्लानिंग में है कि हम 70% वैक्सीन हम कवर कैसे किस तरह से कर पाएंगे? एक गतिविधियाँ निरंतर हमारे जिला प्रशासन के गाइडलाइन में चल रही है कि जितने भी सेंटर्स बनाए वो जितने ज़्यादा से ज़्यादा हमने बनाए हैं उसके वजह से हो जाएंगे। और फिर जब बच जाएंगे तो अलग से सर ने वैन्स वगैरह बनाई है कि उस पॉकेट में जाएगी वैन और पर्टिकुलर जगह जाके टीकाकरण कर देगी, और उसके बाद आधे एक घंटे में जब वहाँ का टीकाकरण कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरे सेशन साइट पे चली जाएगी। इस तरह से मतलब एक मोहल्ला या पॉकेट में जो रहेगा उस तरह से बनाया जाएगा और वहाँ पर टीकाकरण। तो इस तरह से मेरे को लगता है कि हम लोग जुलाई 1st वीक 2nd वीक में 100% का कहीं ना कहीं ऐसा चले जाएंगे। और चूँकि ग्रामीण इलाके में भी हो रहा है तो कुछ पंचायतें ऐसी भी रहेगी आने वाले समय में जो पंचायतें या नगर पंचायत जो है वो टोटल वैक्सीनेटेड हो जाएगी।